बिहार में एक तरफ जहां मुजफ्फरपुर में AES जैसे खतरनाक वायरस से सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई, वहीं एक और नया वायरस बिहार में पांव पसार रहा है जिसका नाम है रोटा वायरस। इस वायरस का शिकार खासकर छोटे बच्चे होते हैं। इससे ग्रसित बच्चों को दस्त आता है और कुछ ही देर में बच्चे की तबीयत बेहद खराब हो जाती है। लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है। बिहार सरकार ने इस तरह के वायरस से बचाव के लिए इसका तोड़ निकाल लिया है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने पटना के फुलवारी शरीफ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रोटा वायरस वैक्सीन का शुभारंभ किया। इस वैक्सीन को राज्य के नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। रोटा वैक्सीन 12 प्रकार के जानलेवा बीमारियों से बच्चों को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। ये जगह तो